नई सरकार के गठन के बाद अब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना बाकी है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान नए स्पीकर का चुनाव भी होना है। जहां एक बार फिर बीजेपी स्पीकर की कुर्सी अपने पास रखना चाहती है, तो वहीं एनडीए सहयोगी और किंग मेकर टीडीपी और जेडीयू पार्टी भी ये पद चाह रही हैं। ऐसे में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की निगाहें लोकसभा अध्यक्ष पर टिकी हुई हैं। बीजेपी की सीटें बहुमत के जादुई आंकड़े से कम होने के कारण इस बार स्पीकर पद का चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। मोदी 3.0 सरकार एनडीए के सहयोगी दलों के सहारे ही चल सकती है। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष काफी अहम हो गया है। दरअसल लोकसभा में स्पीकर ही सदन के प्रोटोकॉल और कार्यवाही को कंट्रोल करता है। सरकार की मजबूती के लिए बीजेपी हर हाल में स्पीकर पद अपने पास रखना चाहती है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत के बाद दावा कर रही है कि अगला लोकसभा अध्यक्ष भी बीजेपी से ही होगा। बीजेपी लोकसभा उपाध्यक्ष का पद एनडीए के सहयोगी दल को देने के लिए तैयार नजर आ रही है। वहीं विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा का इंतजार कर रहा है। एनडीए के किसी भी नेता को अध्यक्ष बनाए जाने की स्थिति में विपक्ष का रुख नरम हो सकता है, मगर बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जाने की स्थिति में विपक्ष पूरी ताकत के साथ चुनौती पेश करने के मूड में दिख रहा है। विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद आसानी से भाजपा और सहयोगी दलों के खाते में नहीं जाने देना चाहता है, इसलिए इंडिया गठबंधन बीजेपी के उम्मीदवार के ऐलान के मुताबिक ही अपनी रणनीति तय करेगा। 50-50 का नहीं है मामला, हमारे पक्ष में है। वो तो बैसाखी पर चल रहे हैं, वो बैसाखियां बवाल मचा रही हैं। टीडीसीपी से लेकर जेडीयू रोज सरकार को लताड़ रही है, आरएसएस लताड़ रहा है, राजभर जी कह रहे हैं इन्हीं की वजह से चुनाव हार गए। तो मामला इनके पक्ष में नहीं है, 50-50 नहीं है, पलड़ा हमारा भारी है। देखिए कौन कब किधर चला जाए इनको पता ही नहीं है। मेरा अपना मानना है कि हमारे जो चुने हुए सांसद हैं, हमारे सदन की नेता जो हैं सोनिया जी और खरगे जी, इसका जरूर अच्छा एक निष्कर्ष आएंगे, निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बार लोकसभा में या राज्यसभा में वो तानाशाही नहीं होगी जो हमने पिछली बार देखी थी। 14 मिनट राहुल जी बोले और 11 मिनट स्पीकर को दिखाया जाए, अब वो नहीं हो सकता है। अब वो बदलना होगा, क्योंकि लोकसभा या सदन गरिमा से, मर्यादा से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एक्टिव हो गए हैं। सबको साथ लेकर चलने में माहिर राजनाथ सिंह ने एनडीए गठबंधन को एकजुट रखने का जिम्मा संभाला है। वे अपने आवास पर नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। हाल में राजनाथ ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जेडीयू के लल्लन सिंह से मुलाकात की है। साथ ही विपक्षी पार्टियों से भी समर्थन जुटाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर पद के लिए डी पुरंदेश्वरी और राधा मोहन सिंह के नाम पर चर्चा चल रही है। ऐसी भी अटकलें हैं कि भाजपा ओम बिरला को दोबारा स्पीकर पद के लिए नामित कर सकती है। बता दें कि इस बार बीजेपी 16वीं और 17वीं लोकसभा की तरह जैसी स्थिति में नहीं है कि वो सीधे लोकसभा अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दे। बीजेपी की सहयोगी टीडीपी और जेडीयू भी विपक्षी पार्टियों की तरह स्पीकर पोस्ट अपने पास रखने के लिए कहती हुई नजर आ रही है। कल श्री राजनाथ सिंह जी ने इसी प्रश्न को लेकर के जो सभी घटक दल हैं एनडीए के, उनकी बैठक बुलाई थी। हम लोगों के बीच में सर्वमति बन रही है। जहाँ तक जनता दल यू का प्रश्न है, वो किसी पद का दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामित जो भी उम्मीदवार है, हम उसका समर्थन। ऐसे में आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि 18वीं लोकसभा का स्पीकर कौन बनेगा। गौरतलब है कि आने वाली 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव तय किया गया है।